जो लोग लांडी कोरंगी में रहते हैं उनको मैं बता रहा हूँ उनके लिए कितने फायदे की चीज है। वो देखें सामने ग्राउंड में लोगों को जो पैदल आ रहे हैं उनको वैक्सीनेशन हो रही है। पूरे ग्राउंड के अंदर कैंप लगे हैं उनके लिए, जेडीसी सिंध गवर्नमेंट और डीएमसी कोरंगी मिलकर कर रही है। गाड़ी में आप आए यहाँ उतरे 10 से 15 मिनट के अंदर वैक्सीन लगाएं घर जाएं। आए मैं आपको उसका प्रूफ दिखा दूं। देखिए यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन कराई, ये लिखा हुआ है जेडीसी और डीएमसी कोरंगी। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन करा के आप सीधा चले गए सामने वाली गली में, ये सारी रजिस्ट्रेशन हो रही है गाड़ियों की। जब आप उस गली में जाएंगे वो देखें वो सामने गाड़ियां खड़ी हुई है, वहां आपको वैक्सीन लगाएंगे। वैक्सीन लगा के आप वहीं से बिल्कुल सीधा 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 वापिस आएंगे। इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लग रहा है ये रे मेरे भाई, मैंने रोका था। सलाम वालेकुम भाई, कहाँ रहते हैं? कोरंगी पांच में। यहाँ टोटल कितना टाइम लगा आपको वैक्सीन लगवाने? 20 मिनट लगे होंगे, इससे ज्यादा नहीं लगे। ग्राउंड में आना, रजिस्ट्रेशन कराना, वैक्सीन लगाना और वापस घर जाने में टोटल 20 मिनट। काम करके सब हम जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? बिलाल मोहम्मद। बिलाल भाई आपका नाम? वकार अहमद। वकार साहब देखें सर मैं सिर्फ यही देखने वालों से गुजारिश करूंगा, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे रावलपिंडी हो, चाहे मुल्तान हो, चाहे रहीम यार खान हो, कोरंगी में वो काम हो रहा है कि घर से निकले 20 मिनट के अंदर आए, रजिस्ट्रेशन कराई, वैक्सीन लगवाई, घर जा रहे हैं। कोई घंटों की वेटिंग नहीं है। अगर आप लांडी कोरंगी में रहते हैं, इसके करीब रहते हैं, भले आप जैसे भी आए, पैदल भी आए, बाहर से पकड़े रक्षा 20 रुपए का, अंदर आइए, वैक्सीन लगवाएं, चले जाएं। क्योंकि पैदल वाले में थोड़ा सा रश है, वहां शायद आपको 20-25 मिनट, एक घंटा लग जाए। ये तो भाई 10 से 15 मिनट फारे होंगे, आप घर चले जाएंगे। ये देखें और गाड़ियां, कितना टाइम लगा आपको? टोटल 10 से 15 मिनट सबकी लग गई, जितने लोग बैठे हुए। क्या नाम है आपका? फहीम भाई टाटा। थैंक यू। ये वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि भाई इस वीडियो को शेयर करें। लांडी कोरंगी वाले क्या पूरे जो भी अतराफ के लोग हैं, शाह फैसल वाले भी आ सकते हैं, गुलशन अजीज वाले भी आ सकते हैं, राशिद लतीफ अकेडमी में आ जाएं। मेरे साथ यहाँ पे जो इनके असिस्टेंट कमिश्नर है कैप्टन साहब, ये भी मौजूद है। जो लोग पैदल आ रहे हैं वहां पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, घंटा पौन घंटा, लेकिन घास में आप बैठे हैं। इसी तरह से शाह फैसल में सेटअप लगा हुआ है सिंध गवर्नमेंट, जेडीसी और डीएमसी कोरंगी की तरह से। इसी तरह मलीर में जो फुटबॉल ग्राउंड है वहां पर भी लगा हुआ है, और डीसी सेंट्रल के साथ भी हम कल से इंशाल्लाह आप नजर आ जाएंगे। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। मैसेज सिर्फ ये कि अगर लोग चाहें तो लोगों की आसानी के लिए बहुत कुछ हो सकता है।